इस पनीर पॉपकॉर्न के क्रंचीनेस का आप अंदाजा लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फॉर्म आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर पॉपकॉर्न की रेसिपी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पनीर पॉपकॉर्न की रेसिपी के लिए हमने 5 से 6 रस बिस्किट लिया है, उसे आप हाथों के सहारे भी क्रश करके इसे तोड़ सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक। हमने मिक्सी जार में यहाँ पे पीसा है, इसे ग्राइंड कर लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, इसे ग्राइंड कर लेंगे ताकि जो पनीर पे कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है, तो इसका ग्राइंडिंग का टेक्स्चर देख सकते हैं आप। इसके जगह पर मकई का भी क्रम्स ले सकते हैं। तो हमने पनीर लिया है लगभग 12 से 15 टुकड़ा, वेट में लगभग 200 ग्राम के आसपास है। तो हमने 1 इंच के स्क्वायर में काटा है, इसे शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे, उसके लिए हमने ये 3 चम्मच हम मैदा लेंगे, ये वेट में लगभग 40 ग्राम के आसपास है। और 2 चम्मच हमने चावल काटा लिया है, आप चाहे तो चावल काटे की जगह पर अरारोट भी ले सकते हैं। और इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर इसमें डाला है, और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसका हम घोल तैयार करेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे से पानी डाल के आप इसे करेंगे, इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो इसमें लम्स आ जाएगी। तो बारी बारी से पानी डाल के इसे अच्छे से मिलाते रहें। तो ये देखिए इसका बैटर कितना बढ़िया तैयार हो रहा है। तो ये देखिए फाइनली इसका बैटर तैयार हो गया है, इस प्रकार से इसका थिकनेस रखना है। तो इस पॉपकॉर्न को और मसालेदार और चटपटी बनाने के लिए हमने एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच के आसपास चाट मसाला लेके इस मसाले को तैयार किया है। तो इसे हम अच्छे से मिला के इसे रख लेंगे, क्योंकि पनीर जब हम फ्राई करेंगे पॉपकॉर्न तो इसमें हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमने जो ये घोल तैयार किया है मैदे और चावल के आटे से, आप आटे चावल के आटे की जगह पर अरारोट भी डाल सकते हैं, इसमें ऑप्शनल है। तो अरारोट इजी वे में घर में होता नहीं है, तो हमने चावल के आटे को ही पीस के घर में इसमें डाला है। तो इस प्रकार से हम इसे कोटिंग कर लेंगे, और इसके बाद हम इस ब्रेड के चूर्ण में इसे मिलाएंगे। अब ब्रेड के चूर्ण की जगह पे वो मकई के जो चूर्ण आते हैं ना, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार से अब इस बैटर में कोटिंग करने के बाद इस ब्रेड क्रम्स में हम अच्छे से इसे कोट कर लेंगे, ताकि जो क्रिस्पीनेस बनेगा हमारा इससे ही बनेगा, ये पनीर पॉपकॉर्न की जो क्रिस्पीनेस होती है। दोस्तों इसे पनीर नगेट्स भी बोलते हैं, पॉपकॉर्न बोल लीजिए, पनीर नगेट्स बोलिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया कोटिंग हुआ है, आपको देखने से लग रहा होगा। तो सारे पनीर को हमने इसी प्रकार से कोट करके इसे रख लिया कटोरी में। तो ये देखिए कितना बढ़िया कोट हुआ। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस भी चलेंगे, तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई लिया है, आप चाहे तो फ्राई पैन पर भी इसे कम तेल में फ्राई कर सकते हैं। तो हमने इसमें भी कढ़ाई में भी कम ही तेल डाला है, और तेल को हाई फ्लेम पर हीट कर लेंगे, उसके बाद फ्लेम को थोड़ी सी कम करके इसमें डाल देंगे सारे पनीर के टुकड़ों को। तो हमने 2 बैच में इसे फ्राई किया है, तो ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन हुआ है हमारा। तो इसी प्रकार से हमने सारे पनीर के टुकड़ों को इसी प्रकार से फ्राई किया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स, कितना बढ़िया ये कोट हुआ है और फ्राई कितना बढ़िया हुआ है देख रहे हैं, देखने से अंदाज़ा आपको लग रहा होगा। तो ये इसी तरह सर्कल का चला के आप इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये फ्राई हुआ हमारा पनीर पॉपकॉर्न। तो इसी प्रकार से हमने सारे बैचेज को इसे फ्राई किया, 2 बैच में हमने इसे निकाला है, क्योंकि ये 10 से 12 से 15 पीस था। तो है ना बिल्कुल आसान रेसिपी फ्रेंड्स, आप इस
अपने घर पे ट्राई जरूर करें और अपने मेहमानों को खिलाएं। तो ये भी देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए अब हम इसकी इसमें जो मसाला हमने बनाया था वो देखिए, और इसका क्रिस्पीनेस का आप अंदाज़ा लगाइए। वही मसाला हमने जो चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर का बनाया था, तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इतना बढ़िया देखने में लग रहा है ना, खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे हरी धनिया चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ इसे खा सकते हैं। तो ये फाइनली हमारा पनीर पॉपकॉर्न की रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम इसे तोड़ के देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बीच का जो सॉफ्टनेस है पनीर का वो कितना बढ़िया है, वो आप खुद ही देख के अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो है ना बिल्कुल सॉफ्ट। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।